लिए एक शर्ट निकली ना। हांडी जी तैयार हो गई है, गैस आ नहीं रही थी, सिलेंडर पे हमने हांडी तैयार कर ली है। लंबा शोरा रखा है ताकि मुर्गी ज़रा अच्छी तरह तैरे तो सही। आलू डाल के मज़ेदार सा स्पाइसी स्पाइसी। चलो जी, हमने साबुत मिर्चें डाल दी हैं अंदर और इसको अब बंद करते हैं। ये जी दम दे दिया। अच्छा जान, आज जी ईमान ने नहाया नहीं अभी तक, जिद में पड़ी हुई है। नो नाइम, हल्का हल्का बुखार भी था, ऑयलिंग की हुई है, मैं इनको सुबह ही नहाऊंगी। खड़ी हो जा मेरा बेटा, खड़ी हो गई मामा। हाँ जी जान, हाँ जी जान, मेरी तरफ। हाँ, आपकी तरफ आ रहा है ना, सामने से आ रहा है, सामने देखो आप। ये जी खास अंदाज का है जी, माउथ फ्रेश है, इतना जबरदस्त है, मैं 3 दिन से खा रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके टेस्ट में इसका एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों ने नासपान खाई होगी, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर डला होता है ना, ये नासपान की बड़ी बहन है तगड़ी वाली। इसका बहुत माइल्ड सा फ्लेवर है। सबसे प्लस पॉइंट इसकी जो सौंफ है ना, कड़वी नहीं है। बाकी इधर उधर से अगर आप लोग लें ना इस तरह माउथ फ्रेश ना, तो सौंफ अंदर कड़वी होती है, लेकिन इसका बड़ा प्यारा सा, बड़ा माइल्ड सा टेस्ट है। और वो ये क्या कहते हैं, सिल्वर पेपर भी इसके अंदर डाला हुआ है, हल्का सा मेरे ख्याल कोकोनट भी है, सौंफ है, बड़ा कुछ डाला हुआ है इन्होंने। ये बहुत अच्छी है, लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। हर चीज़ को छोड़ा नहीं, सबसे पहले इनकी पैकिंग है मैं बात करूँगी। ज़बरदस्त पैकिंग, अगर आप लोगों ने गिफ्ट भी किसी को देना है तो बड़ी हैवी किस्म की पैकिंग है। अच्छा जी, ये है जी द हनी ऑफ युकेशा। अच्छा जी, बायोलॉजी की क्लासेस याद आ गई, थोड़ा सा बायोलॉजी का सबक पढ़ लें। ये जी डिराइव होता है रूबीनिया से, रूबीनिया प्लांट से, और ये ना बड़ा ट्रांसपेरेंट सा होता है हनी, और ये मदद करता है एक्नी को ट्रीट करने में। ये वाला हनी बहुत मदद करता है, बाकी खाने में तो इस्तेमाल होता ही है। अगला हनी जी है द हनी ऑफ सिडर। सिडर हनी एक्सट्रैक्ट होता है, कहाँ से होता है, द मदर ऑफ प्लांट से, जो फूलों की अम्मियाँ होती हैं ना उधर से। और ये लिवर की डिजीज़ के लिए बड़ा मदद होता है, अगर मैं सही बोल रही हूँ, अगर मुझे थोड़ा बहुत जितना याद है। उसके बाद जी बड़ी अच्छी पैकिंग है और इनका हनी बहुत अच्छा है, मैं पहले भी इस्तेमाल कर रही हूँ, बॉटल ख़त्म हो गई है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद जी ये है शुगर फ्री कमरकस, इस तरह की अंदर से। ये जी शुगर फ्री कमरकस है, अगर आप लोगों ने इस तरह इस्तेमाल करनी, इस तरह कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, सारी ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कर लूँगी, फिर दूध में भी डाल के मैं ले सकती हूँ उसको, और वैसे पाउडरी फॉर्म में भी ले सकती हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जी ये शुगर फ्री नहीं है, ये इस तरह की है, देखिए जी हर चीज़ ज़बरदस्त, और इसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी है। ये मैं बॉटल ले आई हूँ जो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, अब ये न्यू बॉटल्स आ गई हैं। ये है जी ये वाली बॉटल है। चलें जी, मैंने पेज टैग कर दिया है, आप लोग इनके पेज विज़िट कर लें एक दफ़ा, और चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनकी। ये जी छलियाँ सूख रही हैं फैक्ट्री, इतनी प्यारी लग रही है, मैं दूर से वीडियो बना रही हूँ, आगे जाने की इजाज़त नहीं है वेस की तरफ से। फाइनली जी घर पहुंच गए हैं, पैकिंग शैकिंग सारी हो गई है, वर्कर्स अपने घर चले गए हैं, और जी सोने का टाइम है। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शादी मुक्की। शादी से डर नहीं लगता, जो सफ़र होता है ना वो जान काल देता है मेरी जान। चलें जी, और मौसम इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया, सर्दी बिल्कुल नहीं रही। आज ऑलमोस्ट नेट वाले बाजू थे, स्लीवलेस ही हुए, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी।